हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कमलदीप सिंह निज्जर। सो आज का जो सेकंड टॉपिक है, आज टॉपोलॉजी 2 आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ मेरे फ्रेंड्स, जस्ट आपके लिए फोर सेम एमएससी टॉपोलॉजी 2। तो आज का टॉपिक है पार्ट वी 2 है। तो कल हमने चार जो डेफिनेशन की थी मेरी फर्स्ट वीडियो में, यदि आपने नहीं देखी तो आप एक बार उसको पहले देख लेना। तो उसमें हमने चार डेफिनेशन की थी, T0 स्पेस की थी, T1 स्पेस की थी, उसके बाद हमने रेगुलर स्पेस की थी, उसके बाद हमने नॉर्मल स्पेस की थी। तो आज हमारा जो डेफिनेशन है कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस। तो कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस क्या होता है? तो यदि हमने रेगुलर स्पेस में आपने पढ़ा होगा तो उसमें क्या होता था, हमारे पास कोई भी टॉपोलॉजिकल स्पेस एक्स कॉमा टो इज सेड टू बी कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस इफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स एंड फॉर ऑल क्लोज सेट कंटेनिंग बी, सॉरी यहाँ पर क्लोज सेट बी नॉट कंटेनिंग एक्स, हमारे पास क्या हो, दो ओपन सेट, एक जी होना चाहिए था जो एक्स को बिलोंग करता और एक ओपन सेट एच जो बी को बिलोंग करता था, और उन दोनों नो ओपन सेट की जो हमारे पास इंटरसेक्शन थी वो फाई थी, उसको बोलते हैं रेगुलर स्पेस। लेकिन आज हम क्या करने जा रहे हैं, कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस। तो कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस ये भी वैसे इसमें थोड़ी सी एक्सटेंशन आ रही है, तो वो कहाँ पर है, तो कोई भी टॉपोलॉजिकल स्पेस एक्स कॉमा टाउ इज सेट टू बी कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस इफ एंड ओनली फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स एंड फॉर ऑल क्लोज सेट बी नॉट कंटेनिंग एक्स। तो आपने यहाँ पर जो सेट लेना है, तो हम यहाँ पर देख लेना आपने दो पॉइंट, एक पॉइंट लेंगे ये वाला और एक जहाँ पर बी जो है क्लोज सेट ले रहे हैं, यहाँ पर जो जो बी एलिमेंट आप ले रहे हैं एक्स बट दैट डज नॉट बिलोंग्स टू बी। यदि आपके पास ऐसे दो एलिमेंट है, एक एक्स और एक सेट बी है, तो हमारे पास देयर एग्जिस्ट, इफ देयर एग्जिस्ट कंटिन्यूस मैपिंग एफ, जहाँ पर हमारे पास क्या है कंटिन्यूस मैपिंग है फ्रॉम कैपिटल एक्स सेट टू द क्लोज इंटरवल 0 1 सच दैट f of x is equal to 0, जो जो एलिमेंट है उसकी इमेज हमारे पास क्या आए, 0 आए, एंड इमेज ऑफ दिस सेट b is equal to singleton set 1, that is we can write f of b is equal to 1 for all b belongs to capital b। इस क्लोज सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे उन सभी की यदि इमेज क्या आ रही है, हमारे पास 1 आ रही है, और इस सिंगल एलिमेंट जो b को बिलोंग नहीं करता उसकी इमेज यदि हमारे पास 0 है, यदि हमारे पास ऐसी मैपिंग हम फाइंड कर सकते हैं कैपिटल x से लेकर 0 1, then this हमारे पास जो भी स्पेस होगी x कॉमा टो दैट इज नोन एज कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस। तो ये हमारी जो डेफिनेशन है बच्चे, और उसके बाद एक डेफिनेशन है आपके पास T3.5 स्पेस, इसको हम क्या बोलते हैं tychonoff स्पेस भी बोल सकते हैं। यदि आपके पास कोई स्पेस रेगुलर कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस है और साथ ही वो T1 स्पेस भी है, तो उसका जो कंबाइंड नाम आता है, उसका जो एक यूनिक नाम आता है, उसको हम बोल सकते हैं T3.5 स्पेस, और हमारे पास क्या होगा tychonoff स्पेस। तो जी हमारे पास आज की जो डेफिनेशन है, तो इस पर एक आप इसको नोट कर लेना। तो आप इसकी हेल्प के साथ हम जो आज की फर्स्ट जो आपके यूनिट 1 की फर्स्ट थ्योरम करने जा रहे हैं उसको हम देखते हैं। थैंक यू। जो आज की हमारी थ्योरम है वो है एवरी कम्प्लीटली रेगुलर टॉपोलॉजिकल स्पेस इज रेगुलर स्पेस एंड हेंस एवरी tychonoff स्पेस इज T3 स्पेस। हमने प्रूफ क्या करना है, यदि आपके पास कोई भी कम्प्लीटली रेगुलर टॉपोलॉजिकल स्पेस है तो वो जो होती है वो रेगुलर भी होती है, उसको हम प्रूफ करेंगे। मीन आपके पास कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस गिवन है, उसकी हेल्प से हमने प्रूफ करना है कि जे वाली जो भी टॉपोलॉजिकल स्पेस है जे रेगुलर स्पेस भी होती है। मीन एवरी कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस इज अ रेगुलर स्पेस। तो इसको प्रूफ करते हैं, चलो आज हमारे साथ। सबसे पहले आपके पास जो गिवन है उसको लिख लीजिए डाटा, यदि आपको थ्योरम नहीं आती एग्जाम में तो इसको अटेम्प्ट करने का वे क्या, आपके पास यदि डेफिनेशन हमने जो भी किया आपको आती तो वो लिखे, तो इसको स्टेप होते हैं इसको करने के लिए। तो हमें नहीं आती उसको छोड़ने के बाद जो आपको आता है उसको लिखते हैं। तो हमारे पास क्या कम्प्लीट रेगुलर स्पेस है गिवन है, तो हमारे पास क्या है, वी हैव एक्स कॉमा टॉ इज कंप्लीटली रेगुलर स्पेस दैट इज हमारे पास अब क्या हम डेफिनेशन लगाते हैं, दैट इज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स एंड फॉर ऑल क्लोज्ड सेट बी नॉट कंटेनिंग this x, हमारे पास for all x belongs to capital X and for all closed set B not containing point this x, हमारे पास क्या होगा, there exists a continuous mapping, हमारे पास एक continuous mapping वहाँ पर है f, हमारे पास क्या है, there exists a continuous mapping f from capital X to closed interval 0 1 such that क्या है हमारे पास f of this
x is equal to 0 and f of b is equal to 1 for all b belongs to this closed set b. तो जो हमारे पास है, यदि आपको नहीं आता लेकिन definition आती है तो उसको लिख दीजिए. We have a x comma tau is a completely regular space. That is, we have for all x belongs to this set capital X and for all closed set B not containing X, हमारे क्या है? According to definition, there exists a continuous mapping. ये continuous mapping ये बहुत काम आने वाली है. तो अब हमने जो prove करना है उसको लिख दीजिए. अब हमने तो prove क्या करना है? To prove x comma tau is a regular space. Is a regular space. उसके लिए हमने क्या prove करना है? उसके लिए क्या होता है? For all that is we need to prove. That is we need to prove. क्या है हमारी need to prove? For that is we need to prove that for all x belongs to capital X and for all closed set B not containing this X, हमारे पास there exist open set, open sets G containing X and H superset of B such that their intersection, the intersection is equal to 5. ये हमने prove करना है कि हमारे पास क्या है? Is for all x belongs to capital X and for all closed set B not containing X, हमारे पास दो open set है G and H. G क्या करता है? X को contain करता है. G containing यहाँ पर X आना था. G containing X and H जो superset to B और साथ ही उनकी intersection 5, ये हमने prove करना है. अब proof J करना है, given J है, तो इसकी help के लिए तो यहाँ पर क्या है? How to think, आपको सोचना क्या, कैसे prove कर सकते हैं? यहाँ पर जो G and H है वो open set X में होने चाहिए. तो हमारे पास जो मैपिंग है वो x to 0 1, तो हमें नहीं मालूम कि यहां पर x कौन सा सेट है, तो इसमें ओपन सेट कैसे होंगे? तो वहां पर हमने जो जे हमारा क्वेश्चन पड़ेगा, हाउ टू रीच दिस टू फाइंड ओपन सेट इन x. लेकिन इसमें हम इसकी हेल्प ले सकते हैं क्लोज इंटरवल 0 1, हमारे पास जहां पर मैपिंग है और साथ ही में जो क्या है कंटीन्यूअस मैपिंग है. कंटीन्यूअस मैपिंग होती है तो आपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा कि कंटीन्यूअस इमेज ऑफ एन ओपन सेट इज एन ओपन सेट और इनवर्स इमेज ऑफ कंटीन्यूअस इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज अगेन अ ओपन सेट. यदि मैं इसमें कोई ओपन सेट फाइंड कर लूं और उसकी इनवर्स जो इमेज होगी वो इसमें जाएगी x में और वो भी ओपन सेट होगी, तो सबसे पहले हमारा फोकस क्या होगा? इसमें ओपन सेट देखने हैं. अब इसमें ओपन सेट कैसे देखेंगे? हमें नहीं मालूम 0 1 में कैसे होता है, हमें रियल नंबर रियल लाइन में मालूम होता है कि रियल लाइन जो होती है रियल नंबर होता है एक लाइन, उसमें जो ओपन इंटरवल्स होती है वो उसके ओपन सेट होते हैं. तो हम इस जहां पर कर सकते हैं टू प्रूव, तो ये करना, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो प्रूफ है. Now, हमें मालूम है minus infinity से लेकर 1 by 2 and 1 by 2 तो लेकर हमारे पास infinity are open sets in R. ये हमारे पास real line में open set होते हैं. ये real line में जो बड़े वाले set हैं, यदि मैं इनकी intersection कर दूँ जो small set में, तो ये open set होगी किसमें होगे? और इसको हम लिख सकते हैं which implies minus infinity into 1 by 2 intersection with close interval 0 1 and साथ ही में हमारे पास 1 by 2 comma infinity intersection with close interval 0 1 are क्या है open sets, are open sets in R intersection close interval 0 1 में होंगे. अब ये बड़ा सेट सेट आपके पास, इसकी इंटरसेक्शन इसमें कैसे आएगी? इंटरसेक्शन क्या है, जहां पर जो 1 है 1 by 2 इसमें तो ओपन है, ये नहीं आएगा, लेकिन 0 इसमें भी है तो इसमें भी, तो इसका आंसर क्या आएगा? क्लोज इंटरवल 0 एंड 1 by 2 पर ओपन होगा जहां पर आ गया. ऐसे ही सिमिलरली जहां पर 1 by 2 ओपन है तो 1 by 2 ओपन होगा, लेकिन जहां पर 1 क्लोज है तो 1 इसमें भी आता, तो 1 पर क्लोज हो गए. ये दो ओपन सेट हमारे पास आ गए, आर ओपन सेट इन R की इंटरसेक्शन स्मॉल सेट में. जब आप इंटरसेक्शन लेते तो हमारे पास स्मॉल सेट आता है, लेकिन जब हम जूनियर लेते तो हमारे पास बड़ा सेट आता है. जहां पर इंटरसेक्शन है रियल लाइन काफी बड़ा सेट है, 0 1 क्लोज सेट है, तो इंटरसेक्शन में क्या जाएगा 0 1. तो हमने क्या फाइंड कर लिया, हमने ये फाइंड कर लिया कि ये जो मैपिंग है fx टू 0 1 इसमें जो ओपन सेट है ये दो ओपन सेट है. अभी ये ओपन सेट एंड सिंस यहां मैं लिख रहा हूं दीस आर ओपन सेट इन दिस एंड f इज continuous mapping, f is continuous mapping
तो जहां पर आप एक लाइन लिख सकते हैं एंड कंटिन्यू मैपिंग. वी नो दैट इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज एन ओपन सेट होती है. इनवर्स जो इमेज होती है, इमेज ऑफ ओपन सेट अंडर कंटिन्यूस मैपिंग. तो मैं बोल रहा हूं अंडर कंटिन्यूस मैपिंग इज ओपन सेट. तो हमने क्या लिखा, इज ओपन सेट. तो जो हमने क्या लिखा, ये दो ओपन सेट है किसमें, हमारे पास 0, 1 में है एंड एफ के हमारे पास कंटिन्यूस मैपिंग है. एंड वी नो दैट इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट अंडर कंटिन्यूस मैपिंग इज अगेन अ ओपन सेट. तो इसको मतलब यदि इसमें जो सेट होगा उसकी हम इनवर्स करेंगे, उसकी इमेज लेंगे एफ इनवर्स. जो एफ इनवर्स लेंगे तो हम वापस एक्स में जाएंगे. तो एक्स में आ गए तो जो अंडर एफ इनवर्स हम ले रहे हैं सेट, तो वो क्या होगी, ओपन सेट इन दिस होगी. तो बिच इम्प्लाइज, हम यहाँ पर लिख सकते हैं बिच इम्प्लाइज एफ इनवर्स ऑफ, तो हमारा पहला सेट क्या है, एफ इनवर्स ऑफ क्लोज इंटरवल 0 एंड ओपन 1/2 एंड साथ ही में एफ इनवर्स जहां पर 1/2 ओपन है एंड 1 पर क्लोज है आर हमारे पास क्या है, ओपन सेट हो गए, आर ओपन सेट्स इन एक्स. तो हमने ओपन सेट फाइंड कर लिया. तो हमने दो ऐसे ओपन सेट फाइंड कर लिए जो एक्स में है. तो इनको हम नाम भी दे सकते हैं, साथ ही में इसको मैं नाम दे सकता हूं. तो आप लेट कर लो, इसको नाम दे लो. माने क्या कर सकते हैं, जहां पर मान लो जी हमारे पास क्या है, हमारे पास जी है और मान लो जी हमारे पास क्या है, कैपिटल एच है. तो मैंने इसको नाम दे दिया एफ इनवर्स ऑफ 0, 1/2 को हमने नाम दे दिया जी एंड इसको नाम दे दिया हमने एच. जी दो ओपन सेट जी एंड एच हमने फाइंड कर लिए एक्स में. तो हमारा एक पार्ट हो गया कि हमने इसमें ओपन सेट फाइंड कर लिए. अब सेकेंड क्या होता था कि ये जो जी है वो एक्स को कंटेन करना चाहिए और ये जो एच है वो क्या करेगा, इस बी को कंटेन करे. ये करता है या नहीं करता, अब इसकी का तो हमारे को पंडा है. अब इसको प्रूव करेंगे सेकंड पार्ट. तो उसके लिए मैं इसको साफ करता हूँ. तो जहां पर आप इसको नोट कर लेना, मैं थोड़ा साइड पर, तो इसको पॉज कर वीडियो को साथ में नोट कर सकते हैं. तो अब सेकंड पार्ट क्या है, हमने प्रूव करना कि दिस जो एक्स है वो जी को बिलोंग करे और कैपिटल बी है वो एच में जाना चाहिए. क्योंकि हमने डेफिनेशन जो है वो प्रूव करनी, जी एंड एच तो है लेकिन क्या वो एक्स उसको कंटेन करता है और एच उसका सबसेट है और साथ ही में उन दोनों की जो इंटरसेक्शन है वो फाई होनी चाहिए. तो अब हम उसको प्रूव करते हैं सेकंड पार्ट को. अब साथ में इसको नोट कर सकते हो, आपको जो थ्योरम आती होंगी नो डाउट, तो आप जस्ट इसको रिवाइज कर सकते हैं. आप चलते समय आपके पास फोन भी है, आपके पास हेडफोन, तो आप चलते चलते इंटरनेट की हेल्प से कहीं पर भी बैठे इसको रिवाइज कर सकते हैं. तो अब हमने प्रूफ क्या करना, तो उसके लिए हम फिर से डेफिनेशन यूज करेंगे इस कंप्लीटली रेगुलर. क्या मैं इसको लेना, हमारे पास नाउ वी हैव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 था हमारे पास, आपने नोट किया होगा डेफिनेशन में. एंड साथ में जो 0 है वो किसको बिलोंग करता है, हमारे पास जहां पर जो 0 है वो बिलोंग करता है कौन सी इंटरवल को, क्लोज इंटरवल 0 एंड 1/2 को बिलोंग करता है. एफ एक्स 0 के साथ है, 0 इसको बिलोंग करता है, तो विच इंप्लाइज एफ एक्स इसको बिलोंग करेगा, एफ एक्स भी इस सेट को बिलोंग करेगा 0 एंड 1/2 को. इसका मतलब क्या हो गया, आपकी जो x है वो किसको बिलोंग करेगी, यहाँ पर f है तो इधर आकर हमारे पास क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा. इनवर्स होकर क्या आ गया, 0 एंड 1/2 को बिलोंग करेगा. और इसका नाम क्या था हमारे पास, g. तो हमारे पास क्या आ गया, ये जो x है वो बिलोंग करेगा g को, मीन जो हमारे पास g ओपन सेट था वो x को कंटेन करेगा. अब सेकंड साथ में h की बात करेंगे. नाउ एंड अगेन हमारे पास क्या था, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी एंड साथ में जो 1 है वो किसको बिलोंग करता है, वो ओपन इंटरवल 1/2 एंड इसको बिलोंग करता है. 1 इसके एफ वी के इक्वल है और ये जो 1 है इसको बिलोंग करता है. इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो एफ वी है वो भी बिलोंग करेगा किसको, 1/2 एंड 1 को वो बिलोंग करेगा. इसका मतलब क्या हो गया, एफ जो हमारे पास है वो बिलोंग कर जाएगा एफ इनवर्स ऑफ 1/2 एंड 1 को बिलोंग कर गया. जहां पर जो बी है वो इसको बिलोंग करता है, बी किसका एलिमेंट है, कैपिटल बी का. इसका एक एलिमेंट इसको बिलोंग करता है, इसके सारे के सारे एलिमेंट इसको बिलोंग करेगी. इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, दैट्स मीन जो बी है दैट इज सबसेट ऑफ दिस सेट, विच इंप्लाई जो कैपिटल बी है दैट इज सबसेट ऑफ दिस सेट. और जिस सेट क्या था हमारे पास, एच था, इसका मतलब जी हो गया.
तो हमने आपका क्या प्रूव कर दिया कि हमारे पास दो ओपन सेट है, जी एक क्या करता है एस को बिलोंग करता है, कंटेन करता है, और दूसरा जो एच ओपन सेट है वो बी का सुपर सेट आ गया। अब थर्ड पार्ट क्या था, इन दोनों की इंटरसेक्शन फाई होगी, तभी जी इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब चेक कर लेते हैं, नाउ जी इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू क्या था, वो हमारे पास ये था एफ इनवर्स ऑफ क्लोज इंटरवल जीरो वन बाय टू, ओपन है हमारे पास यहाँ पर इंटरसेक्शन विद एफ इनवर्स ऑफ वन बाय टू एंड वन। यहाँ पर एफ इनवर्स ये होता है कंटिन्यूस, इसको हम बाहर ले सकते हैं, तो अंदर क्या हमारे पास बचेगा जीरो वन बाय टू इंटरसेक्शन वन बाय टू और वन की इंटरसेक्शन। दोनों की इंटरसेक्शन क्या होती है, फाइव होती है, हमारे पास क्या आएगा एफ इनवर्स ऑफ फाइव, और फाइव की इमेज क्या होती है फाइव। तो आपके पास दो ओपन सेट फाइंड कर लिए सच दैट जी इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू फाइव, तो देयर फोर, तो देयर फोर हम कह सकते हैं हमारी जो डेफिनेशन वो प्रूव हो चुकी है। तो हम लिख सकते हैं नाउ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स एंड फॉर ऑल क्लोज सेट बी नॉट, दैट इज एग्जाम्पल में लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू बी, हमारे पास क्या है दैट इज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस एंड फॉर ऑल क्लोज सेट बी वी हैव ओपन सेट्स जी, क्या है जी एंड एच सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी एंड एच इज सुपर सेट ऑफ बी एंड बी इंटरसेक्शन एच इज इक्वल टू फाइव। तो देयरफॉर व्हिच इंप्लाइज वी सैटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ रेगुलर स्पेस व्हिच इंप्लाइज हमारा जो एक्स कॉमा था इज अ रेगुलर स्पेस, इज अ रेगुलर स्पेस रिजल्ट। तो हमने इसको प्रूव कर दिया बड़ी आसानी के साथ, तो आप इसको नोट कर सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने जैसे आपको बताया था थ्री पार्ट्स में इसको डिवाइड करना, पहले कम जो गिवन था उसको लिखिए, जो प्रूव करना उसको लिखिए, जो प्रूव करना उसकी डिमांड को कंप्लीट करने के लिए हमने क्या किया था जो जो गिवन था उसको यूज किया, ओपन सेट जीरो वन में फाइंड आउट किए उन ओपन सेट की हेल्प के साथ, और इस एफ की हेल्प के साथ हम वापस एक्स में गए ओपन सेट फाइंड करने के लिए, उनको नाम जी एंड एच दे दिया, और हमने जो जी था वो क्या कंटेन करता है एक्स को कंटेन करता है, और जो एच है वो बी को कंटेन करता है, दोनों की इंटरसेक्शन फाइव, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेगुलर स्पेस। तो हैज प्रूव द रिजल्ट। अब सेकंड पार्ट क्या था कि एवरी टिकनॉफ स्पेस इज टी थ्री स्पेस, तो ये तो काफी इजी पार्ट है, आपको मालूम है हमने अभी डेफिनेशन की थी टिकनॉफ स्पेस क्या होती है, एवरी कंप्लीटली रेगुलर एंड टी वन स्पेस जो होती है वो टिकनॉफ स्पेस होती है, और हमने प्रूव क्या करना है टी थ्री स्पेस, टी थ्री स्पेस के लिए क्या होता है वो होता है रेगुलर एंड टी वन स्पेस। अब जो टिकनॉफ स्पेस है वो कंप्लीटली रेगुलर है, तो अभी हमने प्रूव किया एवरी कंप्लीटली रेगुलर स्पेस इस रेगुलर स्पेस ऑटोमेटिकली जो तो रेगुलर होगी, और इसके साथ हमारे पास गिवन क्या है टिकनॉफ के पास टी वन भी है, और इसका मतलब जो रेगुलर भी है और टी वन भी है, एवरी रेगुलर एंड टी वन स्पेस इज नोन एज टी थ्री स्पेस। तो जो इसका सेकंड पार्ट है वो इजिली प्रूव हो जाता है कि हमारे पास जहां पर हम लिख सकते हैं, तो उसको भी हम साथ में कंप्लीट कर लेते हैं, टिकनॉफ स्पेस तो रेगुलर तो होगी है, अब टिकनॉफ थी इसलिए हमारे पास क्या हो गया टी वन हो गया। नाउ जो एक्स कॉमा ड्रॉ इज रेगुलर एंड टी वन स्पेस, सो विच इंप्लाइज एक्स कॉमा ड्रॉ इज टी थ्री स्पेस, हेंस प्रूव। तो आज के लिए आपके लिए सिर्फ टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है, यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट हो या फिर कहीं से समझना लग सकता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत बोलना, और आप प्लीज मेरी इस एफर्ट को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना, ताकि जो मैं अपनी जो इस एफर्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं और आपकी हेल्प हो सके। तो जो टॉपोलॉजी है तो आप जरूरी नहीं कि अब आपकी बुक के साथ पढ़ सकते हो, तो आप यदि ट्रैवल करते हो कहीं पर भी जाते हो आपके पास फोन है और यूट्यूब और आपके हेडफोन आपके पास है, तो आप घर बैठे और कहीं भी बैठे स्टडी कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, प्रेपरेशन कर सकते हो। टॉपोलॉजी वन ऑफ द टफेस्ट माना जाता है, लेकिन ये ईजी है यदि आप इसको कंसेप्ट के साथ करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू subscribe and please share with your friends. Thank you. God bless you, your friends.